हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वोकेबलरी सेक्शन। वोकेबलरी बिल्डिंग सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे कैसे अपने वोकैब को बढ़ाया, कैसे अपना वर्ड पावर बढ़ाया ताकि हमें स्पोकन में हेल्प हो। क्योंकि जब आपके पास वर्ड होगा तभी आप सेंटेंस बना के कुछ बोल पाओगे, या कभी किसी को कुछ बताना है इंग्लिश में तो आपके पास वर्ड पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, तो वो वर्ड पावर आपके पास होने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम बताए थे दो तरीका, एक रूट वर्ड से, जो मेरा पहला वीडियो है, अगर आप लोग देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाके उसे देख लीजिए मेरे प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम उसमें रूट वर्ड से बताए थे, इसमें बताएंगे फिगर के द्वारा, किस तरह से हम फिगर देख के पहचानेंगे कि किसमें क्या है, और इस तरह से वर्ड मीनिंग को याद रखना लंबे समय तक आसान होता है। यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ फोटोज़ हैं, कुछ इमेज है जिसे आप देख के समझ सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर दिया हुआ है स्टोमैक, पेट दर्द कर रहा है, पेट पकड़े हुए है, दाँत का फोटो दिखा के यहाँ पर बताया गया है कि टूथेक है, इनका पैर टूटा हुआ है, आप देख रहे हैं ब्रोकन लेग, व्हीलचेयर पे है। दूसरा में आप देख रहे हैं बुखार है तो थर्मामीटर लगाए हुए हैं, इस तरह से कोल्ड हो रहा है, सर्दी है, अलग अलग बैकिक है, कमर में दर्द है तो वो दिखा रहा है, अस्थमा है, खांस रहे हैं, अलग अलग जगह देख सकते हैं आप। हार्टबर्न है तो यहाँ पे देखिए, अब खासकर इस एरिया को, हार्ट जहाँ पे है वहाँ पे इनको जलन सीम हो रही है। हेडेक में देख सकते हैं कैसे सर पकड़े हुए हैं। तो अलग अलग कंडीशंस में कैसी स्थिति है वो दिखाया गया है, जिसके द्वारा याद करना वर्ड को लंबे समय तक आसान होता है। आइए आपको ले चलते हैं आगे। आगे हेल्थ से रिलेटेड ही कुछ वर्ड है जिसका यूज़ होता है, जैसे ये क्रच। आप ये क्रच को जरूर जानते होंगे, अक्सर आपके अगर आसपास में कोई ऐसे अंकल, दादाजी या भैया जी होंगे जिनके साथ ऐसा समस्या होगा पैर से रिलेटेड, वो इसका इस्तेमाल करके चलते हैं। और ये डिजेबल्ड पर्सन व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए यह जिम हाउस के अंदर का आप देख रहे हैं। और ये है डेंटर्ज। ये अगर आपके घर में कोई दादी या आंटी ऐसी होंगे या अंकल जी जिनको दांत अगर अलग से आर्टिफिशियल दांत लगा हुआ होगा तो उनको देखते हुए खोल के वो ब्रश करती हैं ताकि ज़्यादा अच्छा से साफ़ हो। ब्लोइंग द नोज़, नाक बहरा है लड़की का, ब्लड प्रेशर यहाँ जांचा जा रहा है। तो ये कंडीशन है जिसे आप 2 मिनट 3 मिनट अच्छे से देखते हैं, लंबे समय तक वो, अब जैसे ही बैंडेज की बात होगी तो आपके माइंड में पिक्चर आ जाएगा कि हाँ पैर में बांधा हुआ, हाथ में बांधा हुआ, एम्बुलेंस वर्ड आएगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टाइम वेस्ट करा रहे हैं, इजी इजी वर्ड सब है। इजी इजी वर्ड के द्वारा ही हम लोग आगे फिर बड़े बड़े वर्ड बनाएंगे। आगे है क्वेश्चन वर्ड्स। हम पहले ही बोल चुके हैं कि क्वेश्चन वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन में। दो आदमी के बीच में जब वार्तालाप होती है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड्स आना 100% फिक्स्ड है, कि जब भी आप कुछ बात करते हैं, अच्छा तो आप क्या किए थे, ओहो अच्छा पटना गए थे, वुड यू गो पटना, When can I go on vacation, मैं छुट्टी पे कब जा सकता हूँ, ये कंडीशन है। किसी से बात करते, Why are you angry, तुम क्यों गुस्सा हो, आप क्यों गुस्सा हैं, क्या हुआ आपको, What happens to you, Who is calling, कौन फ़ोन किया, देख रहे हैं दो, एक लड़का और एक लड़की फ़ोन की तरफ भाग रहे हैं और देख रहे हैं कि वो एक्साइटेड है कि कौन फ़ोन किया उसे जानने के लिए। अब फ़ोन उठाते ही क्या बोलेंगे, हाँ हेलो, हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, Where should I go, कहाँ मैं जाऊँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, हाउ डू आई स्टॉप द बेबी फ्रॉम क्राइंग, बच्चे को रोने से कैसे रोके। तो ये डिफरेंट कंडीशन है जहाँ से हम लोग बोलना सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, आई वॉन्ट टू नो दैट, हु का जनरली प्रयोग पर्सन के लिए होता है, वेयर के लिए, पोजिशन और प्लेस के लिए, वेन टाइम ओकेजन और मोमेंट को बताता है, वाई रीजन और एक्सप्लेनेशन को, वाट जो है स्पेसिफिक थिंग के बारे में बताता है और ऑब्जेक्ट के बारे में, और विच जो है चॉइस के बारे में, आपको चुनने के लिए आता है, विच डिश शुड आई चूज, मैं कौन सा डिश चुनूँ। जब आप होटल में जाते हो, मेनू कार्ड मिलता है तो आप सोचते हो ना क्या खाऊं, अगर पहले से प्लान नहीं बना हुआ है। और हाउ जो है वे और मैनर को दर्शाता है। आइए आगे चलते हैं। अब है डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ वर्ड, जैसे आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेटअप 6:15, क्योंकि वेकअप और गेटअप में अंतर है। वेकअप में होता है कि आप जग गए हैं लेकिन बेड पे ही हैं, और गेटअप मतलब होता है बेड को छोड़ना। आई टेक अ शावर, आप कब नहाने के लिए जाते हैं, गेट ड्रेस, ड्रेस कब पहनते हैं, कम, ये डिफरेंट कंडीशन यहाँ दिया हुआ है जो आपके लाइफ में यूज़ होता है। तो आप इस तरह से स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंस खुद से बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई अराइव होम, आई गो टू ऑफिस, आई स्टार्ट वर्क, आई फीड द डॉग, गाँव में काफ़ी लोग कुत्ते पालते हैं, शहर में भी, तो आप कुत्ते को खिलाते हो तो आप उसका भी टाइम मेंशन कर सकते हो, आप कब खिलाते हो। और यहाँ एक और कंडीशन, दो कंडीशन दिया हुआ, आई गो टू बेड एंड आई फॉल स्लीप, बेड पे जाके काफ़ी लोग मूवी देखना होता है और उसके बाद फाइनली सोते हैं, तो फॉल स्लीप और गो टू बेड में अंतर है, सेम वेयर जैसे कि यहाँ वेकअप और गेटअप में अंतर है।
तो ये सेम डिफरेंस यहाँ पे है। उसके बाद आप जानते हैं कि मॉर्निंग में अगर हम लोग भोजन करते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। दोपहर में क्या बोलते हैं, दोपहर में बोलते हैं लंच, आफ्टरनून टाइम में, और रात को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट में डिनर बोलते हैं। तो ये तीन भोजन के टाइमिंग के बारे में दिया हुआ है। आइए आगे चलते हैं और कुछ वर्ड्स देख। यहाँ कुछ वेदर कंडीशन के बारे में दिया हुआ है, हॉट के बारे में, टेम्परेचर यहाँ फायर आप देख रहे हैं, थर्मोमीटर लगा हुआ है, किस टेम्परेचर में कैसा फील होता है। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। इसको देखिए, ये छत पे बैठा हुआ बच्चा देख रहा है कि इसके चारों तरफ क्या है, घर के चारों तरफ पानी ही पानी है। इट मीन्स कि यहाँ फ्लड है, यानी कि बाढ़ आया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चा है, ठनका ठनकने की थंडर स्टॉर्म की आवाज़ सुन के वहाँ से भाग रहा है, और साथ में लाइटनिंग भी देख पा रहा है। ये व्यक्ति जो है ठंड महसूस कर रहे हैं, ऐसी हैं यहाँ पर स्नोइंग बर्फ गिर रहा है, उसको आनंद ले रहे हैं बच्चे। तो अलग अलग कंडीशन है ये, यहाँ देख रहे हैं विंडी तूफान है, बारिश हो रही है, छाता लिए हुए हैं। तो ये डिफरेंट पोजीशन है जिसके द्वारा आप वर्ड को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। कुछ वैसे वर्ड है जो रेस्टोरेंट में अक्सर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको क्या दिया जाता है, मेन्यू कार्ड दिया जाता है, वाटर प्रोवाइड की जाती है, और आपको सर्विस दिया जाता है। आप उसको ऑर्डर देते हो, फिर आपको सर्विस मिलती है, फिर आप क्या करते हो, उसको पे करते हो। वहाँ भोजन बनता है, कुक किया जाता है, आप होल्ड कैसे करते हो, स्लाइस पिज्जा खाने वाले लोग जानते होंगे, खासकर स्लाइस के उसको समझते होंगे। स्प्रीड कई एक बार अगर आपको एक जगह आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, दो तीन लोग खाते हो, तो आप खुद से भी उसे सर्व कर लो, या फिर आप उसे बोलते हो वेटर को तो आपको सर्व कर देता है। इसको टेबल सेट बोलते हैं, जो जनरली अच्छे रेस्टोरेंट में रखा हुआ रहता है। और इस तरीके से आप इन सब फिगर को गौर से देख के आप उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते। कुछ एक्शन वर्ब है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैक करना, जैसे आप कहीं जाने के लिए पैकिंग करते हो, पेंट करते हो, पेंट करना, पुल खींचना, पुश धक्का देना, सी देखना, उसके बाद है स्केटिंग, स्केट करना, सोना, रो, नाव खेलना, नाव को चलाना, शो मतलब दिखाना, प्ले खेलना, स्टॉप रुकना, सीट बैठना, सिंग गाना, अलग अलग पोजीशन के बारे में बताया गया है। इधर आप देख रहे हैं काम करना, वर्क कर रहे हैं, टेक स्विंग झूला झूलना, स्विंग तैरना, स्विप झाड़ू लगाना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इन सब वर्ड को भी आपको जानना जरूरी है। आस्क, कैच, कुक, क्राई, बेक, बेकरी तो जानते होंगे, बेकरी आइटम जो होता है उसे बेक करके हम लोग खाते हैं। क्लैप, ताली बजाना, क्लीन, और यहाँ क्लीन है। स्वच्छता तो बहुत जरूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है रखना। आप जो जानते हैं कि साफ सफाई ना रखने से कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। क्राई, बच्चे को अक्सर देखते हैं दूध के लिए चिल्लाते हुए, और यहाँ ऐसा पिक्चर दिया गया ताकि आप लंबे समय तक याद रखें। ये देखिए कोई मास्टर शेफ है जो भोजन बना रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, डोर क्लोज किया जा रहा है, ब्रश। स्पोकन में जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है वो एक स्टोरी भी है, पिक्चर स्टोरी, जैसे हम इससे पहले भी आपको चर्चा कर चुके हैं चंपक के बारे में, और भी कई नॉवेल के बारे में, इस छोटी छोटी स्टोरी के बारे में। तो आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वंस इन द मंथ, ये कहानी तो आप लोग सुन ही चुके होंगे, प्यासा कौवा का, कि एक बार एक जंगल में कौवा होता है जो बहुत प्यासा होता है, जो पानी के लिए भटक रहा होता है, तभी उसे एक घड़ा दिखाई देता है, बट घड़ा में पानी कम होता है, तो वो क्या करता है, हार नहीं मानता है, वो बगल से कंकड़ उठा के रखता है, तो पानी का रास्ता क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और वो फिर पानी पी के उड़ जाता है। कहने का सेंस है कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी चांस मिलता है इंग्लिश बोलने का, तो आप जरूर बोलिए इस कौवे की तरह, जिस तरह से कौवे को थोड़ा पानी रहता है, फिर वो अलग से कंकड़ डाल डाल के पानी को उठा के पी के वहाँ से उड़ जाता है, अपना प्यास बुझाता है, तृप्त हो जाता है। उसी तरह आपको जब भी कभी मौका मिलता है इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश लिखने का, इंग्लिश सुनने का, तो आप उस मौके का जरूर फ़ायदा उठाइए। तो ऐसी और भी स्टोरी हम आपको पोस्ट करेंगे, आप हमारे पेज को भी, फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ भी हमें आके, हम आपको वहाँ भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं डेली पोस्ट करूँगा और उसे देख सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।